सुरेन पर ईडी के शिकंजे को लेकर इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। लिखते 11,000 रुपए का इनाम, निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। अरे बाबूलाल जी, आपका उम्र हो चुका है, आप नहीं भाग पाइएगा। आपको हम लोग 24 में ऐसा पकड़ेंगे, ऐसे खातिरदारी करेंगे आपका कि वो मेहमान नवाजी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री कल ईडी को बुलाए 31 को, तो किसके आदेश पे ईडी समय के पहले माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली के सरकारी निवास पे पहुंचते हैं? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। आप तो हद हो गया कि भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है। और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है? ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। ये तो सियासत की बात हो गई, लेकिन अभय, आपने सीता सोरेन का रुख बताया, बसंत सोरेन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है? देखिए, कल जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर बसंत सोरेन मौजूद थे। जो सुबह बैठक हुई थी वहां पर तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी कि बैठक में वो मौजूद थे, लेकिन मीनाक्षी, बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन को प्रमुखता से आगे बैठाया गया था। हालांकि वो राजनीति से दूर रहती हैं, अपने सोशल वर्क और स्कूल की तमाम चीजें वो देखती हैं, लेकिन जब कल दोपहर को बैठक हुई, जब चेहरा निकलकर सामने आया कि रांची के अंदर मौजूद है हेमंत सोरेन, जब वो सीएम आवास से निकले, दो दिन की जब से उनकी तलाश की जा रही थी, जो बैठक हुई उसमें कल्पना सोरेन आगे बैठी हुई थी, लेकिन अगर हम बसंत सोरेन की बात करें तो वो बैठक में मौजूद थे लेकिन पीछे की तरफ बैठे हुए थे। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। हमने बात करने की कोशिश की कि अगर आज ईडी गिरफ्तार करती है तो किस तरीके से झारखंड के अंदर नई सरकार होगी, कल्पना को लेकर हमने बहुत कोशिश की कि उनका कोई रिएक्शन हमें मिल पाए, लेकिन बसंत सोरेन जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जेएमएम के जो बाकी के नेताओं से हमारी बात हो रही है, या फिर जो यहाँ पर केंद्रीय महासचिव हैं, या फिर जो यहाँ के पार्टी के प्रवक्ता हैं जेएमएम के, वो सब यही कह रहे हैं कि आज ईडी के एक्शन, जो भी ईडी का एक्शन होगा, उसी परिस्थिति को देखते हुए आगे की जो तमाम चीजें हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन सीता सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है जिस तरीके से प्रमुखता कल्पना सोरेन को दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका भी, अतुल आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। आप भी नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लेते रहेंगे।